Hello so today we'll start your poetry section this book the blossoming mind and the first poem is blow blow thou winter wind by william shakespeare william shakespeare 1564 to 1616 so he was operating at the time of queen elizabeth who was a very important figure in english history ek tarah se kyunki time pe you know one can say europe made jo age of discovery exploration shuru ho jab ये यूरोपियन कंट्रीज़ पॉर्चुगल इंग्लैंड फ्रांस स्पेन जैसे दुनिया के अलग अलग कोने में जाके अपने कॉलोनीज बना कॉलोनीज़ तो उस समय नहीं था बट बेसिकली दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग जो कि इवेंचुअली फिर क्या है कॉलोनीज uh, बनने लग गए जैसे स्पेन साउथ अमेरिका में चला गया फ्रांस पॉर्चुगल बेल्जियम हर कोई अफ्रीका में गया इंडिया में ज़्यादातर पॉर्चुगल और इंग्लैंड वाले आए सो so, इसी के चलते यू नो आफ्टर इट्स सॉर्ट ऑफ इट्स इवेंचुअली वी वेंट ऑन टू कोलोनलिज्म जो उपनि उपनिवेशवाद कहते हैं हम और इसी के चलते उसी कोलोनलिज्म की वजह से हम आज बैठ के शेक्सपियर को आपके कोर्स में पढ़ रहे हैं सो विलियम शेक्सपियर ही सपोज भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज यू नो प्राइमरली ड्रामा नाटक और क्या है पोएम्स लिखते थे एंड ही वॉज नॉट रियली एजुकेटेड यू नो ही वॉज अनएजुकेटेड तो बट ही वॉज़ अ प्रोफेशनल प्ले राइट एंड वेरी पॉपुलर इवन ड्यूरिंग इस टाइम अपने समय में भी ये बहुत प्रसिद्ध थे लोकप्रिय थे और आम पब्लिक के लिए प्लेज लिखते थे और इवन दो लाइक आई सेड, यू नो इवन दो ही वॉज एजुकेटेड कुछ फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी इनके पास लेकिन इन्हें इसलिए मानते क्योंकि द ट्रूथ एंड डेप्थ ऑफ इमोशन्ड ह्यूमन कैरेक्टर जिस तरह से ये ह्यूमन इमोशन् फीलिंग्स और यू you नो know, किरदारों को इतने डेप्थ से उनकी मानसिकता को उनके भावनाओं को इस तरह से ये स्टेज या फिर कविता अपने कविताओं के द्वारा इस तरह से एक्सप्रेस कर पाते थे कि इसीलिए इनको हम अभी तक कुछ 500-600 साल बाद भी हम इन्हें मानते हैं सो so, he he was also an actor he started his career as an actor and then he started writing plays in london theater company mein aur usi company mein wo fir dheere dheere aage badhte gaye shareholder ban gaye part owner ban gaye aur 1599 mein in is company ne apna theater banaya globe theater और जो कि बहुत प्रसिद्ध था उस समय और उसकी photo आप देख सकते हैं this is a traditional थिएटर जहाँ पे ये जो एक स्टेज बना होगा और आसपास पूरे सर्कल में लोग होंगे म्यूजिशियंस एक तरफ होंगे और नीचे पिट होगा जहाँ पे तो ऊपर ऊपर क्या है थोड़े आई थिंक यू नो बालकनी टाइप के जो फॉर हायर क्लासेस और नीचे ग्राउंड में इट बी पिट जहाँ पे क्या है आम पब्लिक खड़ी होगी उस तरह से ठीक और तो यहाँ पे इनके साथ ज़्यादातर अधिकतर सारे प्लेज इधर ही दिखाए गए जैसे एज यू लाइक इट जिससे आपका ये कविता लिया गया है ट्वेल्थ नाइट जूलियस सीजर हैमलेट ऑथलो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड जस्ट यू नो लुक अप सम ऑफ दीज नेम्स उनकी अगर आप समरी पढ़ ले या स्टोरी पढ़ ले तो बढ़िया रहेगा उसके अलावा ही एज रिटन लॉट्स ऑफ सॉनेट्स एंड ऑल और यू you नो know, तो जैसा कि मैंने लगा विद साइकोलॉजिकल इंसाइट मानसिकता दर्शाने में बहुत माहिर थे भावनाएं दिखाने में एंड ऑल्सो यू नो ऑब्जर्वेशन अब अबाउट लाइफ जैसा कि हम इस कविता में देखेंगे सो दिस पोम यू नो इट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम हिज प्ले कॉल्ड एज यू लाइक इट ए कॉमिक प्ले इन्हों लिखा था और उसमें से इनके तो उस समय के ड्रामा में नॉट जस्ट शेक्सपियर यू नो तो जो एक मेन कहानी चलती रहती थी और साइड में बीच बीच में उसी कहानी पे कमेंट्री करने के लिए कोई गीत गा सकता है या फिर एक दूसरा साइड स्टोरी चल रही है तो ऐसा ही एक गीत है एज यू लाइक इट में और ये गीत आपके कोर्स mm, में एज अ पोम दिया गया है ब्लो ब्लो दाओ विन टू विंड सो एज यू लाइक इट में बेसिकली द स्टोरी इज इज अ नोबल ड्यूक जैसे कि जो ड्यूक uh, राजा महाराजा के जो इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर दरबारी होते हैं उस तरह का तो लेकिन उस ड्यूक को जो उस ड्यूक को उनके छोटे भाई ने एक तरह से उनका सिंहासन छीन लिया और उन्हें भगा दिया वनवास में एग्जाइल कर दिया सो so, और एग्जाइल कहाँ था इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन तो इस प्ले में फ़ॉरेस्ट एक यू नो एक डुअलिटी बना दी गई है कि एक जंगल की नेचुरल लाइफ वर्सेस जो दरबारी लाइफ सिटी लाइफ जहाँ पे ये सब हो रहा है जहाँ पे भाई भाई का दुश्मन बन जाता है और उसका सी उससे उसका सिंहासन लेने के लिए उसको भगा देता है इसी प्ले में एक और ऐसी कहानी है दो भाइयों की जिनके बीच में भी लाइक यू नो अनकाइंड उनमें से एक अनकाइंड है अपने भाई को मारता है भगा देता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो बेसिकली uh, सेटिंग ये है कि एज़ यू लाइक इट में अब ये जो अच्छा वाला जो ड्यूक था जो असल ड्यूक था वो अपने कुछ फेथफुल लॉयल courtiers के साथ दरबारियों के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में एग्जाइल में है यू नो वनवार से एक तरह से और इस जंगल में वो लोग एक तरह से यू you नो know, हालांकि सब कुछ लूट गया है उनका वो छोड़ छाड़ के जंगल में रह रहे हैं बट वहाँ पे वो बड़े खुश हैं एक तरह से यू नो बिकॉज आर्डन इज़ द लैंड ऑफ डू एज यू प्लीज यहाँ पर वो जो चाहे कुछ कर सकते हैं शांति में प्रकृति में बैठ सकते हैं और uh, इंसानों और समाज से दूर जहाँ पे यू you नो know, हमेशा कुछ ना कुछ नाटक चलते रहता है देर ऑलवेज इन गोइंग ऑन गॉस सेप एसेट्रा कोई किसी के पीठ के पीछे कुछ बोल रहा है कोई किसी को कुछ चाहिए तो यू नो झूठ के रास्ते मकारी के रास्ते सो ऑल ऑफ दैट यू नो सो दैट्स द बेसिक थीम ऑफ दिस पोम तो ऐसे सेटिंग में हाँ बेसिकली एम करके एक दरबारी ये गीत गाता है और इसका यही थीम है सो द सॉन्ग कंपेयर्स यू नो द हार्शनस ऑफ रफ़ विंटर विद द अनग्रेटफुलनेस ऑफ दोज होम वी हैव हेल्प तो एक तरह यू you नो know, इंसानी रिश्तों को वो किन से कंपेयर कर रहा है ख़ासकर ऐसे रिश्ते जहाँ पे कोई कुछ गलत कर देता है आपके साथ सो so, उनकी तुलना किस से हो रही है विद द हार्शनेस ऑफ रफ़ विंटर हम लोग हिमाचल में एंड खासकर भरमौर हम एरिया को हम लोग को तो पता ही है कि विंटर कितनी रफ़ होती है यहाँ पे हार्श होती है सो बट द पोइट सेज़ यू नो शेक्सपियर का मानना है कि जो प्रकृति है उसका स्वभाव है यू नो अब जो सीज़न आ गया है विंटर सीजन आ गया और जो ठंडी हवा चलती है तो ठंड जो ठंडा करना या फिर चीज़ों को जमाना या फिर यू नो उस तरह से वो तो उसका स्वभाव है राइट सो इट्स नॉट कैलकुलेटेड इंसानों की तरह वो कुछ सोच समझ के आपको हानि नहीं पहुंचा रहे हैं जो प्रकृति का स्वभाव है वो कर रहे हैं यू नो सर्दी आई है सो यू फील कोल्ड ऐसे ही अगर आप कहीं प्लेन्स में होते हैं समर्स में तो धूप से भागना पड़ता है कि वो इतनी गर्मी हो जाती है सो अगेन धूप अपना काम कर रही है यू you नो know? ये सोच समझ के नहीं कर रहे कि नहीं ये लोग जो यहाँ पे इंसान है इनको मुझे टॉर्चर करना है इनको गर्मी जलाना है या फिर विंटर विंड जो है वो नहीं सोच रही है कि इन लोगों को मुझे तंग करना है जमाना है नहीं यू नो इट्स उसका स्वभाव है इट्स एक्टिंग थ्रू नेचर लेकिन इंसान में क्या है सोचने समझने की जो शक्ति है इंटेलेक्ट है जो माइंड है उससे वो क्या क्या कर देता है कंपेरिटिवली सोच समझ के यू you नो know, क्या क्या वो नेगेटिव चीज़ें कर सकता है जिस तरह से ट्रस्ट तोड़ता है उसके बारे में ये कविता है दिस इज द मेन थीम तो इसीलिए कवि द पोइट इज सेइंग यू नो क्योंकि प्रकृति का स्वभाव ही ये है सो द विंटर विंड अगर वो हमें जमा भी देती है तो हमें बुरा नहीं लगता है लेकिन खासकर जब हमारे जो करीबी मित्र या फिर परिवारजन या जो भी होते हैं वो लोग जब हम हमें कुछ यू नो इफ़ दे हमारे साथ कुछ गलत करते हैं दैट हर्ट्स अ लॉट क्योंकि हमें उम्मीद नहीं है यू you नो know, लेकिन फिर भी इंसान ऐसी चीज़ करते हैं और इसी के चलते कहते हैं कि ज़्यादातर इंसान इंसानों के बीच जो भी जो रिश्ते होते हैं जो प्रेम के या फिर मित्रता मैत्री के फ्रेंडशिप के वो ज़्यादातर सब नाटक है ही से ही इज़ अ प्रिटेंशन यू नो क्योंकि समाज में साथ रहना है तो हमें ये सब करना पड़ता है एक दूसरे को नमस्ते करना पड़ता है अच्छे से ये सब करना पड़ता है लेकिन ज़्यादातर सब नाटक है और वैसे ही जो प्रेम की जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो भी क्या एक तरह से बहुत ही सुपरफिशियल है सतही प्रेम है हम इंसान से प्रेम नहीं करते शायद उस उनकी स्टेटस से प्रेम करते हैं, उनके समाज में क्या इज्जत है वर्ग है पैसे कितने हैं या फिर उनका रूप कैसा है तो इन सब के बारे में बात हो रही है तो ज़्यादातर प्रेम भी खासकर जो रोमांटिक लव ज़्यादातर यू नो इट्स अ फिजिकल अट्रैक्शन हम एक दूसरे को देखते हैं यू नो कोई सुंदर है तो प्रेम हो जाता है अपेरेंटली तो उस तरह का प्रेम खासकर जो पोइट कह रहे हैं कि इट इज़ अ वेरी फेक सॉर्ट ऑफ अ लव और इसीलिए इनका मानना है कि लिविंग इन अ फॉरेस्ट हला तो इसीलिए इस जंगल में रहना जहाँ पे कि बहुत ही कठिनाएँ हैं खासकर सर्दियों में वो फिर भी कम कष्टदायक है दैन लिविंग इन सोसाइटी जहाँ पे इंसानों के बीच में इतने नाटक और ढकोसले होते हैं विद इन ऑल दीज फेक ह्यूमन रिलेशनशिप्स सो द सिंगर डिस्क्राइब्स लाइफ इन द लैप ऑफ नेचर इज मोस्ट हैप्पी एंड इन वाइट्स इज लिस्नेस टू लिव इन द फॉरेस्ट वेर देर आर ग्रीन ट्रीज तो इसीलिए क्या है जो सिंगर है वो कहते हैं कि प्राकृतिक प्रकृति के बीच में ही जीवन सबसे बढ़िया रहता है और यही चलते चलते आगे यू नो इवेंचुअली दिस इज़ अ जॉनर होल जॉनर ऑफ लिटरेचर खासकर जो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई यूरोप में इंग्लैंड में और धीरे धीरे क्या है बड़े बड़े शहर कारखाने इंडस्ट्रियल सिटीज़ आने लग गए तो दर फिर ये duality, एक ये डुअलिटी एक द्वंद्व बनने लग गया सिटी वर्सेज विलेज अर्बन अरबन वर्सेज रूरल जो कि अभी भी चल रहा है हमारे देश में भी चलता है क्यों जो सिटी में बैठ के राइटर्स क्या करने लग गए uh, जो विलेज लाइफ है उसको बहुत ही रोमांटिसाइज करने लग गए कि शहर में कूड़ा है पोल्यूशन है लोग फेक हैं लेकिन जो गांव की लाइफ बहुत अच्छी है सुंदर है प्राकृतिक है और सब कुछ साफ सफाई है लोग भी अच्छे हैं सिंपल है तो यही चीज़ अभी तक चल रही है इनफैक्ट यू नो शहरी और गांव के बीच में दिस इज़ अ पर्टिकुलर जॉनर खासकर जो रोमांटिसिज्म वगैरह में ऑल राइट सो दैट इज़ द कंटेक्स्ट And now let's get down to the poem. It's a very short poem. I'll just read it once, and then we'll go through line by line. Blow, blow, thou winter wind. Thou art not so unkind as man's ingratitude. Thy tooth is not so keen because thou art not seen, although thy breath be rude. Hey ho, sing hey ho unto the green holly. Most friendship is feigning. Most loving mere folly. Then hey ho, the holly. This life is most jolly freeze freeze thou bitter sky that dost not bite so nigh as benefits forgot though thou the waters warp thy sting is not so sharp as friend remember not heigh sing heigh-ho unto the green holly most friendship is feigning most loving mere folly then hey ho the holly this life is most jolly so first of all yeah 1500s ki poem hai so it's written in sort of like old medieval english isi aapko is ke shabd mil thou thy art dost thou is basically you thy is yours art art dost etc yeah so old english or so blow blow thou winter wind ब्लो ब्लो इट्स कॉल्ड एलिट्रेशन जैसे हिंदी में आप अलंकार यूज करते हैं, वैसे इट्स इंग्लिश में एलिट्रेशन कैसे कहते हैं इसे ब्लो ब्लो दाओ विंटर विंड तो सीधा क्या एक तरह से विंटर विंड से बात हो रही है इस गीत के थ्रू कि ब्लो चलते रहो विंटर विंड हवा सर्दी की हवा की ब्लोइंग दाओ आर नॉट so unkind मैं इन ingratitude. इन ग्रैटिट्यूड एहसान फरामोशी एक तरह से सो सर्दी की हवा को सर्द हवा को कह रहे हैं कि तुम चलते रहो क्योंकि यू आर नॉट सो अनकाइंड एज मैनज इन ग्रैटिट्यूड क्योंकि तुम्हारा तो स्वभाव है लेकिन जो इंसान का जो इन ग्रैटिट्यूड होता है उसके बारे में बात करें तुलना करें सो शुरुआत से ही आपको ये इमेज दे दी गई हैं दाइ टूथ इज़ नॉट सो कीन बिकॉज दाओ आर्ट नॉट सीन तो इसे कहीं ना कहीं आप एंथ्रोमारे एंथ्रोपोमोरफिकेशन कहते हैं परसोनिफिकेशन कहते हैं कि ये जो सर किसी प्राकृतिक चीज़ या फिर किसी भी चीज़ को आप ह्यूमन कैरेक्ट्रिस्टिक्स दे दें जैसे कि विंटर विंड को ये कहीं ना कहीं इंसान जैसा बना रहे क्योंकि विंटर विंड के दांत नहीं होते असल में ना बट दाई टूथ दांत से क्या होता है आप काटते हैं और सर्दी की हवा भी काटती है सो एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो मेटोफॉर तो मेटोफॉरिकली एक तरह से यू नो काटने की जो आइडिया दिया है दाओ टूथ इज़ नॉट सो कीन जो तुम्हारे दांत है वो इतने शार्प नहीं है पहने नहीं है बिकॉज दाओ आर्ट नॉट सीन क्योंकि तुम दिखते भी नहीं हो ऑल दो दई ब्रेथ बी रूड हालांकि तुम्हारी जो हवा है बहुत ही रूड है असभ्य है कुछ भी उड़ा देती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो और हाँ जहाँ मेटाफोर की बात करें सो मेटाफोर इज लाइक यू नो जैसे किसी को आप बहादुर कह बोलना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि वो तो एक शेर है राइट right? मेटाफोर और सिमिली इज ऑल्सो सिमिलर लेकिन सिमिली में आप जैसे सो यू विल से ही इज़ अ लाइन दैट्स अ मेटाफोर बट इफ यू से ही इज लाइक अ लाइन देन इट बिकम्स अ सिमिली सो या बेसिकली या सिमिली में एज या फिर लाइक का आप इस्तेमाल करते हैं दोनों में तुलना हो रही है लेकिन एक में आप बोल रहे हैं कि वो शेर है दैट इज अ मेटाफोर असल में शेर नहीं है ना वो असल में तो इंसान है लेकिन आप उसकी क्वालिटी उसको दे रहे हैं वो आप कह रहे हैं मेटाफोर के थ्रू वो एक शेर है ऑन द अदर हैंड सिमिली में आप कह रहे हैं वो एक शेर की तरह है सो दैट्स द थिंग यहां पे मेटाफोर की यूज किया जा रहा है क्योंकि ही इज नॉट कि तुम्हारे दांत की तरह या फिर यू नो ही सिंग दाई टूथ तुम्हारे दांत सर्दी को yeah. उसके बाद हे हो सिंग हे हो तो ये तो हुर्रा हिप हिप उस तरह का कुछ भी एक एक्सप्रेशन है एक, 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 खुशी का हे हो एंथुजियाजम का सिंग हे हो अन द ग्रीन हॉली हॉली एक तरह का जो यू नो इट्स ट्रीज के जो आई एम जस्ट शेयरिंग अ फोटो उसके इस तरह के प्रिकली कांटेदार पत्ते होते हैं और इसे क्रिश्चन क्रिसमस के वक्त भी काफ़ी इसे डेकोरेशन में यूज़ किया जाता है और कहीं ना कहीं ये इट आल्सो रिप्रेजेंट यू नो द ग्रीनरी ऑफ नेचर क्योंकि सर्दियों में भी ये एवरग्रीन है पेड़ ये सूखता नहीं है यू नो हॉली सो या एक हॉली को वो प्रतीक है सन टू द ग्रीन हॉली मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग मोस्ट लवर लविंग मेयर फॉली मोस्ट फ्रेंडशिप अधिकतर जो जो दोस्तियाँ हैं वो क्या है इस फेनिंग एक नाटक है नाटक कर रहे हैं लोग एंड मोस्ट लविंग मेयर फॉली और अधिकतर जो प्रेम है वो क्या है प्यार है वो केवल एक फॉली है एक मिस्टेक है एक सो देन हे हो द हॉली दिस लाइफ इज मोस्ट इज मोस्ट जॉली लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि इसके बावजूद भी हॉली की तरह एक तरह से अगर आप प्रकृति की तरह रहे हैं दिस लाइफ इज़ मोस्ट जॉली लेकिन इसके बावजूद भी जीवन एक बहुत ही एक खुशनुमा है एक खुशी का खुशी की बात है यू नो सो दैट वी इज ऑल्सो एक तरह से यू नो दिस इज़ कॉल्ड अ स्टोइक फिलोसफी एस टी ओ आई सी कि यू आर ऑल्सो बींग अ रियलिस्टिक आप ऐसा नहीं है कि आप अपना सर हवा में रखते हैं यथार्थ रियलिटी को अपने आसपास इग्नोर करके कि नहीं नहीं जीवन बहुत अच्छा नहीं ये कहते हैं हाँ अधिकतर सब कुछ बुरा है यानी यू नो इसे अधिकतर फ्रेंडशिप या नाटक है अधिकतर जो प्यार है वो भी एक बहुत बड़ी क्या है गलती है लेकिन फिर भी यू नो क्या फ़र्क पड़ता है लाइफ तो फिर भी बहुत सुंदर है आप प्रकृति में बैठिए हॉली की हौली को देखिए पेड़ों को देखिए जंगल में रहिए जीवन बहुत सुंदर है समाज के नाटकों से दूर देन द नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रीज फ्रीज दाओ ब्रिटाए और वैसे ही अब एलिटरेट करते हुए अब ये विंटर स्काई की बात कर रहे हैं बेटर यू नो कड़वा यानी क्योंकि आपने विंटर में देखा होगा स्काई कैसा हो जाता है कभी गरज रहा है बादल काले बादल छाए हुए हैं ठंड है सो इट्स लाइक अ बिटर यू नो एक गुस्से की तरह कड़वाहट सो फ्रीज फ्रीज दाओ बिटर स्काई जम जाओ बेसिकली दैट डॉस नॉट बाइट सो नाई एज बेनिफिट्स फॉर गॉट लेकिन ये जो सर्दी का जो मौसम है जो जमा देने वाला फ्रीज़ करने वाला फिर भी इसका जो अब जो टूथ की बात की थी वही अब बाइट ये फिर भी उस इतना उसके जो काट है जो नाए इतने पास नहीं लगती यानी कि दिल के पास शायद नहीं लगती है जितनी की एज बेनिफिट्स फॉर गॉड जितनी कि एहसान फराम उची की कोई जो आप मित्र या कोई भी इंसान हो जिसको आपने कुछ बेनिफिट किया हो कुछ दिया हो या उनकी मदद की हो लेकिन वो लोग क्या है भूल जाते हैं और तो इसीलिए कहते हैं कि उससे ज़्यादा पीड़ा होती है दिल को लेकिन ये जो सर्दी से नहीं दो दाओ द वॉटर्स वॉप द स्टिंग इज़ नॉट सो शार्प तो वॉटर्स जो आपने देखा ही होगा नाले पानी लेक्स वगैरह सब कुछ सर्दियों में जम जाता है और फिर वॉप थोड़ा अनिवन हो जाता है जो नॉर्मल जो पानी अगर इस फ्लैट चलते रहता है तो लेकिन जो सर्दियों में उस पर कई शेप्स बने होंगे अन ईवन सा होगा तो खासकर नदी वदी में जो स्ट्रीम्स में नालों में तो कहते हैं हालांकि तुम क्या है पानी को भी जमा देते हो वॉप कर देते हो लेकिन फिर भी स्टिंग जो तुम्हारी काट है जो तुम्हारा डंक है इतना शार्प नहीं है जितना एज फ्रेंड रिमेंबर नॉट जितना जब कोई आप दोस्त आपको भूल जाता है तब ज्यादा आपको क्या है कष्ट होता है अगेन देन हे हो सिंग हे हो होन टू द ग्रीन हॉली मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली बट फिर भी देन हे हो द हॉली खुश रही है दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली सो ए शॉर्ट पोम बट लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया और ये आइडिया आपको आगे भी आएगा इस पर हम बात करेंगे um, नाउ यर आई आई वॉन्ट टू डिस्कस अ कपल ऑफ लाइक यू नो क्वेश्चन जैसे आपको क्वेश्चन आप देख सकते हैं तो एटलीस्ट कोई भी आपका जो एग्ज़ाम में एस एज या जो भी आते हैं क्वेश्चन आते हैं दो आपको हर चैप्टर से दो क्वेश्चन आपको आने चाहिए जो कि क्या है एक तो समरी और रेफरेंस टू कंटेक्स्ट समरी इज बेसिकली आपको अगैन एक सार देना है कविता का या मेन आइडिया का तो कुछ एक पेज से ज़्यादा तो डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए और उसमें क्या आप मेन आइडियाज़ सब की बात करेंगे जो असेंशियल मीनिंग जो है जो कविता का मतलब है जो जैसे इस कविता में क्या है कि नेचर इज़ बेटर दैन फेक सोसाइटी सेट्रा इससे ट्राइन की बात करेंगे ज़्यादा आपको अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स देने की बात नहीं है जैसे फॉर इंस्टेंस जो आपकी जो एक स्टोरी है आपके कोर्स में डिनर फॉर द बॉस तो अगर आप उसकी समरी लिख रहे हैं आपको एक एक चीज़ नहीं लिखनी है उसमें कि शाम शामनाथ ने ये किया वो किया फिर उसकी माँ ने ये बोला फिर बॉस ने ये किया फिर उसकी पत्नी ने ये किया नहीं आपको बस एक तरह से एक्सप्लेन करना है कि ये कहना है कि कैसे माता का शोषण होता है शामनाथ के द्वारा एटसेट्रा एटसेट्रा एक तो आप डिटेल्स दे सकते हैं बट सब कुछ नहीं बताना है ठीक है वैसे ही रेफरेंस टू कंटेक्स उसमें ट्रेडिशनली आपको अगर रेफरेंस टू कंटेक्स बेसिकली कंटेक्स यानी संदर्भ और रेफरेंस तो आपको संदर्भ देना है बताना है तो आपको कुछ लाइन्स दी गई होंगी या तो किसी कविता से या आपके कहानी या ऐसे से, और आपको बताना है कि ये लाइंस कहाँ से ली गई है किसने लिखी है और इनमें क्या कहा जा रहा है सो so, ट्रेडिशनली आपको जो क्वेश्चन आता था वो आप देख सकते हैं इसमें लाइक यू नो सो यू हैड टू आंसर समथिंग लाइक दैट डीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम दिस पोएम एंड रिटन बाय विलियम शेक्सपियर और उसके उसके बाद फिर यू you नो know, आप ब्लो ब्लो विंटर दिन ये जो कविता है एक लाइन में इसका कुछ एक आप सार देंगे कि यानी ये कविता इसके बारे में आप थीम बताएंगे और फिर जाके आप असली ये जो जो चार पांच लाइनें आपको कोट की गई है क्वेश्चन में उसके बारे में उसका आप मतलब समझाएंगे और कंटेक्स देंगे बट नाउ इट्स मच इजिए फॉर यू पीपल क्योंकि अब आज का, आपको सिंपल एक डिवाइडेड क्वेश्चन आता है जिसमें ए एक नंबर का पूछेंगे हु इज़ द राइटर तो आपको राइ फिर अगले उसमें पूछेंगे व्हाट इज़ द कहाँ से ये लाइंस ले गई है बट बेसिक आइडिया वही है आपको इसीलिए हर चैप्टर का कम से कम क्या है टाइटल और ऑथर पता होना चाहिए यू नो कि कोई भी जो कविता या जो ऐसे जो लिया गया है उस वो कहाँ से किस कविता या जो लाइनें ली गई है जो पंक्तियाँ ली गई है वो किस चैप्टर किस ऐसे किस पोइम से ली गई है किसने लिखी गई है किसने लिखा है और उसका मेन थीम क्या है और क्या उन जो फिर उसके बाद जो लाइनें कोट की गई है क्वेश्चन में उसको आपको एक्सप्लेन करना है या सो गो थ्रू दिस एंड देन We will move on with this so with the next poem, The Good Morrow by Jordan. All right, thank you.